गोरखपुर के जिला अस्पताल में 3 रुपए से 5 रुपए में मरीजों का किया जाएगा फिजियोथेरेपी, सीएमओ ने किया उद्घाटन। जी हां, आपको बता दें, आज जिला अस्पताल के कमरा नंबर 53 में फिजियोथेरेपी विभाग के मुख्य चिकित्सा अधिकारी आशुतोष दुबे द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया गया। इस दौरान जिला चिकित्सा के प्रमुख अधीक्षक राजेंद्र ठाकुर व फिजियोथेरेपी विभाग के नोडल अफसर सहित अन्य डॉक्टर व कर्मचारी मौजूद रहे। वहीं मीडिया से बात करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं प्रमुख अधीक्षक व नोडल अफसर ने बताया कि फिजियोथेरेपी विभाग के बनाए जाने से मुख्य उद्देश्य यही है कि दूर दराज से आने वाले गरीब तबके के सस्ते और फिजियोथेरेपी का लाभ मिल सके। अगर हम बात करें तो प्राइवेट पर अन्य संस्थाओं में फिजियोथेरेपी के लिए 300 से 500 रुपया लगता है, जो कि जिला अस्पताल में अब आने वाले मरीजों को 3 रुपए से 5 रुपए के शुल्क देकर सस्ते से सस्ता फिजियोथेरेपी से इलाज किया जाएगा। सरकार की मंशा के अनुरूप फिजियोथेरेपी का लाभ आम जनता उठा सके, इसको लेकर ही जिला अस्पताल में आज कमरा नंबर 53 में फिजियोथेरेपी विभाग का उद्घाटन किया गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि देखिए, फिजियोथेरेपी यूनिट जो है, जो हमारे शरीर के अंग किसी प्रकार से काम करने में अपने स्वयं रूप से सक्षम नहीं हो पाते हैं, उनको हम लोग असिस्टेड मूवमेंट प्रोवाइड करा करके उनकी पुनः उनकी पुरानी गतिविधियों को हम वापस लाते हैं। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, फिजियोथेरेपी जो है एक ये आधुनिक वैज्ञानिक नाम है, योग हमारी सनातन संस्कृति का एक पार्ट रहा है, तो इसलिए जो आपकी फिजियोथेरेपी भी सदियों से है, इसके जनक हमारे ऋषि मुनि ही रहे हैं, और इससे जो है शरीर हमारा निरोग होता है, शरीर की गतिविधियां हमारी नियंत्रित होती हैं, और कंटिन्यूअस फिजियोथेरेपी से हमारे जितने भी शरीर के जॉइंट्स हैं, जितनी मसल्स हैं, वो सब क्रियाशील होती हैं तथा हमारी मेटाबॉलिज्म मेंटेन रहती है और विभिन्न प्रकार की गंभीर बीमारियों से हमें छुटकारा मिलता है। सर, मरीजों को कितना लाभ मिलेगा? ये मरीजों के लिए ही है और इससे मरीजों को पूरा लाभ मिलेगा, खास करके जो ट्रामा के मरीज होते हैं, जिनमें प्लास्टर बांध दिया जाता है या जिनमें कोई सर्जरी की जाती है जिसमें मूवमेंट शुरू में रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, उसकी वजह से मांसपेशियां और लिगामेंट्स काम करना बंद कर देते हैं, फिजियोथेरेपी के द्वारा उन्हें पुनः क्रियाशील किया जाएगा।